मैं एक युवा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, विधानसभा के बाहर, हो सकता है आपने भी देखा हो, उसकी पीड़ा जितनी मैं देख पाया, समझ पाया, उसको आप और हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो युवाओं पर बीत रही है उत्तराखंड के, मैं उनका जिक्र करने आया। पहले सुनिएगा ध्यान से, इस युवक को सुनिएगा। क्या हमारे अंदर योग्यता नहीं है? हम 15,000 की नौकरी के लिए दिल्ली जाएंगे और ये लोग हमारी नौकरियों को बेच खाएंगे। एक लाख में नौकरियां चल रही है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इस कूड़े करकट की सफाई हो, वरना युवा सड़कों पर आएगा। युवा के अंदर एक उग्रवादी सोच विकसित हो रही है, अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम अपनी जान देने को कुर्बान है और जान लेने को भी कुर्बान है। अपने हक के लिए हम अब रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। ये मैं पूरे प्रदेश के सभी सत्ता में बैठे इन सत्ताधीशों को संदेश देना चाहता हूँ कि समय रहते आप सही डिसीजन ले लिए, सीबीआई जांच की मांग करवाइए और इन कूड़े करकटों को जल्द से जल्द। का पूरे उत्तराखंड ने देखा, पूरा देश देख रहा उस युवा को, है ना। ये हमारे लिए कितना बड़ा तमका है कि उत्तराखंड में नेताओं ने ही नौकरी में भाई भतीजावाद कर दिया, है ना। तुम सीमा जी, मुझे दिल पर हाथ रख के, जो उस युवा के साथ हुआ मानते हैं गलत हुआ, जो ये युवा विधानसभा के बाहर बैठे हैं, इन युवाओं से, सीमा जी मेरा सीधा सवाल है, इन युवाओं से माफी मांगेंगी? क्योंकि आपके और हमारे नेताओं ने इनके हक पर डाका डाला, प्रमाण के साथ कह रहा हूं मैं, विशेष अधिकार के नाम पर इनके हक पर डाका डाला, आप माफी मांगेंगी इन युवाओं से? सर देखिए, अगर मेरे माफी मांगने से थोड़ा सा भी लोगों का दुख कम होगा तो मैं दोनों हाथ जोड़ के मांगूंगा। लेकिन मैं फिर ये बात कहती हूँ, ये जो सिलसिला चलता चला रहा है ना पिछले सरकारों से, ये बंद होना चाहिए और हम ये कदम उठाएंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल का, प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये मेरा नहीं है, पूरे युवाओं का है उत्तराखंड के। शपथ संविधान की ली आपने, ठीक, हम संविधान की शपथ खाते हैं, मगर हर काम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह विशेष अधिकार है। यह विशेष अधिकार है क्या, आज मैं यह समझना चाह रहा हूं, बताइए उत्तराखंड के युवाओं को। सीमा जी, विशेष अधिकार क्या है, इसका मतलब क्या है? जी, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा चलता चला आ रहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आज से नहीं, ये कई सालों से चलता चला आ रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है इतनी कि वो चुन सकता है अपने मनपसंद लोगों, तो जब उनके पास ये अधिकार है तो उन्होंने अपने अधिकारों का, चाहे वो कांग्रेस की हो या कोई और सरकार हो, अपने अधिकारों का उन्होंने उपयोग किया और अपने अपने लोगों को रखा। सीमा मैडम, बहुत खूब, बहुत खूब, नहीं ये विशेष अधिकार है तो मुझे ये बताइए, क्या ये बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं है कि संविधान के तहत, संविधान के तहत तो देश के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी यह अधिकार नहीं है विशेष अधिकार की, वो संविधान के खिलाफ जाकर नियुक्तियां कर लें। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास विशेष अधिकार है कि अपने चाचे भतीजों को नौकरी में डाल दें, सेट करें उनको? जी, अगर हमारे पास ये अधिकार हो तभी भी हमें इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो क्यों हुआ, वो बयान मैं सुनाना चाहूंगा। एक पूर्व स्पीकर दोनों हैं और दोनों की नियुक्तियों को लेकर सवाल है, सुनिएगा ये दो बयान ध्यान से सुनिएगा। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी बहू और लड़की को लगाया है, ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपनी बहू को लगाया है। तो मैं बताता हूँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी बहू और लड़की को लगाया है, ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं, तो ये कहना केवल गोविंद सिंह ने ऐसा किया, जबकि मेरे कार्यकाल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया भाजपा ने। ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बार। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है, उसी आधार पर इस बार भी हुआ। 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना, मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए, आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए वो? ये मैंने कहा ना, नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। दोनों पूर्व स्पीकर कह रहे हैं दी नौकरी, मुख्यमंत्रियों को
मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों को भी दी। इसलिए पूछ रहा हूं सीमा जी, बता दो कि विशेष अधिकार का मतलब क्या भाई भतीजावाद है उत्तराखंड में? यही है विशेष अधिकार का मतलब सीमा जी? यही हुआ ना? खुद कह रहे हैं, दोनों स्पीकर कह रहे हैं हां दी नौकरी दी। तो इसका मतलब विशेष अधिकार का मतलब भाई भतीजावाद, विशेष अधिकार का मतलब पत्नी को नौकरी, विशेष अधिकार का मतलब भतीजों को नौकरी, विशेष अधिकार का मतलब भाई भतीजावाद, पार्टी विद द डिफरेंस। यही है नसीमा जी? भाई भतीजावाद के हम कतई फेवर में नहीं है, परिवारवाद के हम कतई फेवर में नहीं है। ये प्रमाण है आपके सामने भाई भतीजावाद का, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। पूरे देश को देखना चाहिए, सबसे बड़ा प्रमाण नहीं था ये, प्रमाण है भाई भतीजावाद का। क्या ऐसे देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हो सकता है जिसका कोई राजनीति? तो उत्तराखंड के बसंत भी देखे हैं हमने और पतझड़ भी देखे हैं। तो इसलिए जो बात आप लोग कह रहे हैं ना, जांच कराओ, उन जांचों की फाइलों को सिर्फ बढ़ते हुए हमने देखा है। चाहे वो एनएच का मसला हो या फिर कुंभ का मसला हो, है ना? तो इसलिए आप ज्यादा मुंह मत खुलवाइए हमारा, बस इतना बोलूंगा कि ये युवाओं के साथ बंद करिए आप लोग, ये ठीक नहीं है। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, इन्हीं युवाओं के लिए आप लोग सत्ता में हैं, बस इतनी गुजारिश थी मेरी। इस युवा को देख के बस यही पीड़ा थी मेरे मन में, ये पूरे उत्तराखंड की पीड़ा है।